मार्केट में उद्योग में आपका स्वागत है। आज मैंने तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक लाया हूं जो कि टेक्निकली भी रिकॉर्ड तो दिया ही है, साथ ही साथ ये तीनों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग और फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाली कंपनी है। इसमें पहला स्टॉक है टाटा पावर जो कि मैंने 200 पर रिकमेंड किया था, तब से ये हर सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि ये जब से मैंने रिकमेंड किया था 200 पे, तब से ये धीरे धीरे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते जा रहा है। आप चाहें तो इस प्राइस पे भी आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल के लिए लेना चाहते हैं, एक शानदार कंपनी है। अगर आपने 200 को मिस किया तो यहाँ पे भी थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हालांकि Q1 का रिजल्ट अब आने ही वाला है, तो आप चाहें तो Q1 के बाद भी इसको आप खरीद सकते हैं, शानदार कंपनी है। अब मैं दूसरी कंपनी ले आ रहा हूँ। दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्राइट। आप देखेंगे इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम पर लिया है, ये भी एक शानदार कंपनी है और इस प्राइस के आसपास भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने 1900 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, तब से ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। ये एक शानदार कंपनी है और इसकी क्लाइंट भी शानदार हैं। आप अगर 1900 को रैली मिस किए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए आप हर गिरावट पे आप सपोर्ट लेवल पे इसको थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करते रहें। ये फ्यूचर में आपको शानदार रिटर्न्स बना के देगा। लाजवाब कंपनी है और इसको हर गिरावट में हर सपोर्ट पे आप थोड़ी सी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाएं और लंबे टाइम के लिए वेट करें और लंबे टाइम में एक शानदार ग्रोथ देगा ये कंपनी। और दोस्तों जो तीसरी कंपनी है वो कंपनी है टाटा मोटर, जो कि शानदार क्वार्टरली रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक शानदार रैली शो किया है। 400 से 600 तक एक शानदार रैली दिया है। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर देखेंगे तो टेक्निकली अगर देखें तो ये कंपनी ऊपर से एक स्टिक फॉर्म किया है, दैट इज़ वो टॉप में उसको बोलते हैं ग्रेप्स डोजी, एक कैंडल स्टिक फॉर्म किया है। अगर इसके साथ अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस तरह का अगर रेड कैंडल बन जाता है तो ये सेटअप एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से एक रिवर्सल का चांस होता है। तो वैसे भी देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो हम इसको करेक्शंस का वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरती है तो फिर हम लोग उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये अभी काफ़ी भाग चुका है। हालांकि ये तीनों बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है और फ्यूचर ग्रोथ शानदार है, तो इस तीनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इसके थोड़े से करेक्शंस पे लें तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेशंस के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।